आप सभी ब्रजवासियों एवं देशवासियों को इंडियन ऑयल के 65वें इंडियन ऑयल डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमें मथुरा रिफाइनरी में और आज मथुरा रिफाइनरी बड़े हर्षोल्लास के साथ इंडियन ऑयल का 65वां इंडियन ऑयल डे मना रही है। और इस कार्यक्रम के आज जो मुख्य अतिथि रहे हैं JL रैना साहब रहे हैं, जो कि पिछला सन 95 से लेकर 98 तक मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक के रूप में रहे हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। साथ ही एम्प्लॉयज क्लब में भी आज जो भी रिटायर्ड कर्मचारी थे मथुरा रिफाइनरी के, उन्हें सम्मानित किया गया एक टोकन गिफ्ट देकर। शाम में बारात घर में कम्युनिटी सेंटर में भी एक कार्यक्रम किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनमें भी सभी जो MREN से उनकी सहभागिता रहेगी। यहाँ जो एक कार्यक्रम आयोजित किए गए उनमें सबसे बड़ी बात ये रही कि मथुरा रिफाइनरी ने एक वो संदेश दिया है कि इंडियन ऑयल जो अपने शिखर को चूम रही है। कहते हैं कि 65 वर्षों का इंडियन ऑयल का एक इतिहास है। 65 वर्षों के अंदर बहुत ही अनूठे और अभूतपूर्व कार्य इंडियन ऑयल ने किए हैं। और देश की ऊर्जा के स्रोत की अगर बात हो तो इंडियन ऑयल ने देश की ऊर्जा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए इस खास खबर में वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा। कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्व विख्यात इंडियन ऑयल की छठी रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी ने 1 सितंबर को 65वां इंडियन ऑयल डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इंडियन ऑयल डे के सुअवसर पर सुबह मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित मथुरा रिफाइनरी अस्पताल में लगभग 9 बजे रिफाइनरी कर्मियों ने रक्तदान करते हुए रक्तदान महादान का संदेश दिया। साथ ही रिफाइनरी प्रमुख ने मथुरा रिफाइनरी नगर में इंडियन ऑयल डे के सुअवसर पर 10 मंजिल के 2 मल्टीपल रूम बिल्डिंग का भूमि पूजन भी किया। इंडियन ऑयल डे के अवसर पर मथुरा रिफाइनरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मथुरा रिफाइनरी के पूर्व रिटायर्ड ED JL रैना रहे। उन्होंने केक काटकर IOC के बीच 65वें इंडियन ऑयल डे को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने रिफाइनरी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाते हुए की। साथ ही अपने संबोधन में रिफाइनरी प्रमुख ने सभी इंडियन ऑयल कर्मचारी एवं अधिकारियों को इंडियन ऑयल डे की शुभकामनाएं दी। मैं इंडियन ऑयल के विजन, भारत की ऊर्जा और वैश्विक प्रशंसित कंपनी को गति प्रदान करने का वचन देता हूँ। मैं हर समय इंडियन ऑयल के बुनियादी मूल्यों, राष्ट्र प्रथम, संरक्षण, नव परिवर्तन, लगाव और विश्वास को बनाए रखने हुए उत्कृष्टता के साथ अपनी व्यवसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। मैं हरित प्रथाओं को अपनाकर और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करके वर्ष 2046 तक नेट जीरो परिचालन उत्सर्जन की दिशा में इंडियन ऑयल की विकास यात्रा को बढ़ावा दूंगा। मैं कार्यस्थल के भीतर और उससे बाहर अपने आचरण के माध्यम से सत्यनिष्ठा और व्यवसायिकता के उच्चतम मानदंडों का पालन करूंगा। इंडियन ऑयल के ऊर्जा सैनिक के रूप में मैं पहले राष्ट्र के प्रति और फिर कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देता हूँ।
जय हिंद, जय इंडियन ऑयल। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल की 65 वर्ष की सफलताओं को भी एलईडी के माध्यम से आईओसीएंस तक पहुंचाया गया। इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी के सचिव रविंद्र यादव ने कार्यक्रम में संबोधन देते हुए इंडियन ऑयल के साथ साथ मथुरा रिफाइनरी के सराहनीय कार्यों पर भी प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के महामंत्री मुकेश शर्मा ने इंडियन ऑयल की अपार सफलताओं का वर्णन किया। जो पहले कहते हैं मथुरा रिफाइनरी से पॉल्यूशन हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि पॉल्यूशन नहीं है, मैं इसकी सर्वे कराता हूं। तो मथुरा से और मथुरा से लेके हाईवे पर होके आगरा तक इन्होंने फुटमार्च कराया और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को लेके साथ में, यहाँ के लोकल अपने कर्मचारियों और यहाँ के प्रधान वगैरह को लेकर उन्होंने पूरा आगरा तक फुटमार्च करा के गवर्नमेंट को बताया कि आप सर्वे करिए कि मथुरा में पॉल्यूशन इंडक्शन क्या था, पीथम में क्या था, उसके बाद फरेन में क्या था, उसके बाद मथुरा आगरा में क्या था। तब उस पर डिफरेंस आया तो वो हमारे राणा साहब ने एक रिकॉर्ड के आधार पर जब दिखाया तो वहाँ पार्लियामेंट में जिन लोगों ने आवाज उठाया उस सबको मुंह की खानी पड़ी और मथुरा रिफाइनरी आज हमारी एक पश्चिम पर लहरा रही है। हम एक मथुरा रिफाइनरी को पूर्ण बस काम 43-44 एज पर ले गए। तो कहीं ना कहीं राणा साहब के लिए मैं एक बार पुनः तालियों की आपसे गुजारिश करूंगा। ऐसी शख्सियत को हम कब भूल सकते हैं। आज मथुरा रिफाइनरी हम ये मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं राणा साहब का इसमें पूरा पूरा सहयोग है सर। और जो कि अभी हम मथुरा रिफाइनरी का सॉन्ग गीत भी गा रहे थे तो राणा साहब की देन है। मैं राणा साहब के बारे में पूछता तो हालांकि मुझे सौभाग्य नहीं मिला उनके साथ काम करने का, तो मेरी तो 2000 की जॉनिंग थी, राणा साहब 98 में चले गए थे। लेकिन जो अच्छा आदमी होता है उसके बारे में तो अच्छाइयाँ मिलती रहती हैं और हम लोग अच्छाइयों कलेक्ट करते रहते हैं। जिन राणा साहब ने एक सरकार को कन्विंस कर दिया हो, एक आदमी इंसान हो जो वहां तो बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़ा बड़ा क्लू देते हैं, उनको उन्होंने कन्विंस किया। आज मैं तो ऐसी सक्सेस को प्रणाम करता हूं सर। एक बार पुनः मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आप आते हैं इंडियन ऑयल डे पर। जैसा कि हम इंडियन ऑयल डे आज 65 ईयर्स हमारी कंपनी इंडियन ऑयल डे हो चुका, लगभग पूरा 6.5 दशक का लंबा सफर, एक अपने बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इस देश के विकास में, उन्नति में, देश की तरक्की में, देश के चलायमान गति में हम लोग कहीं ना कहीं इंडियन ऑयल बहुत अग्रणी भूमिका निभाती है। इसका जीता जागता हुआ मैं आपको बता देता हूं। जब 2020 में हमारा कोविड का महामारी आई थी, पूरा देश विदेश में सन्नाटा छाया हुआ था, हर आदमी घर में कैद हो गया था, हर आदमी डरा हुआ था, नई महामारी थी, देश का जो विश्व का चौधरी बनता है जो हमारा अमेरिका, वो भी बैकफुट पे था। और हमारे भारत देश में हमारा इंडिया ऑन डे 24x7x365 हम लोग अपने कार में कार से थे। तो ये इंडिया ऑयल की पहचान है कि हम जब कोई काम कर रहे थे, अगर इंडिया ऑयल बंद होता तो घर में, मैं जानता हूँ कि घर में लोगों का खाना नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे घर में इंडेन का गैस सिलेंडर जो घर में है, अब तो सबको पता है कि बिना सिलेंडर के तो किसी घर में, अब तो हमारे देश जनता ने, हमारे देश के सरकार ने सबके घर में उज्ज्वला योजना के रूप में घर घर का सिलेंडर दिया, वो भी इंडियन गैस का सिलेंडर है। सन 1995 से 1998 में मथुरा रिफाइनरी के ईडी रहे जेएल रैना ने इंडियन ऑयल डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मथुरा रिफाइनरी से उनका पुराना नाता है। मथुरा रिफाइनरी में उन्हें अपने इंडियन ऑयल परिवार के लोगों के बीच आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। नमस्कार सभी साथियों को, यहाँ के मुखिया बारी जी, बाकी मंच पर हमारे मित्रगण, मेरा तो सबसे पहले अपना कहना होगा कि मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन मथुरा की याद मुझे बड़ी खींच के लाई। मैं देहरादून में था, तिवारी जी का निमंत्रण मिला तो मैंने कहा मथुरा ज़्यादा छोड़ूंगा नहीं मैं, इसी आदे से मैं कल देहरादून से चला हूँ और आज सवेरे नोएडा से चला हूँ, क्योंकि एक जुड़ाव था। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन तीन स्टेजेस में मैं अपनी लाइफ डिफाइन करता हूँ। पहला, जब हम यहाँ लैंड किए एलसीपीएन,
तो एक एक्सपीरियंस बड़ी अजीब मुझे लगी। मेरी गाड़ी खराब हो गई टाउनशिप में, तो कोई साथी मदद के लिए नहीं आया। तो उस टाइम मैं सोचा कि क्या बात है, ऐसी क्यों इतनी दूरी का है। तो मैंने उसी टाइम एक डिसाइड किया कि मुझे याद है एक पंक्ति जो सी है, साथी उठो तज दो सब कुछ, संग संग चल के जाना है, ऊर्जा के इस अनुपम स्रोत्र को घर घर तक पहुंचाना है। दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई कैरियर इन मसारे फैमिली। एंड इसी प्रोत्साहन से फिर मैंने गीत लिखा कि मैंने कहा सबको बांधना बहुत जरूरी है। उस टाइम रियली बड़े काले बादल छाए थे और मैं क्या कहूँ, मेरा बैरी या हमारा बैरी उस टाइम था ताज। जब मैं इस मंदिर का पुजारी था, हेड पुजारी, पुजारी तो सब थे, कुछ यादें ताजा हुई आज, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। वहीं मथुरा रिफाइनरी द्वारा इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में अपनी सेवाएं देने वाले सभी रिफाइनरी कर्मियों को 65वें इंडियन ऑयल डे के अवसर पर सम्मानित किया गया। रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मान मिलने पर उन्होंने देश के नवरत्न कंपनी इंडियन ऑयल व मथुरा रिफाइनरी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इंडियन ऑयल एक नवरत्न कंपनी है जो अपने कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद भी पूरा ख्याल रखती है। मैं 1983 में 24 सितंबर को मैंने इंडियन ऑयल में ज्वाइन किया था मार्केटिंग डिवीजन में, और 31 अक्टूबर 2022 को रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद भी इंडियन ऑयल के जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनको भी अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाता है, और ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आगे चल करके इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हम लोग बहुत ही योगदान दिए हैं, बहुत ही बढ़ाने की कोशिश की है। जिस समय हमने ज्वाइनिंग किया था एक छोटा सा कॉरपोरेशन था, आज बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, और इसका नेटवर्क भी इंडिया में बहुत नंबर एक पर है, भारत के नौ रत्नों में एक है, और ऐसा ही इसका जो है उन्नत होते रहेगा। इंडियन ऑयल में जैसे आपने एक लंबा समय दिया, और इंडियन ऑयल की तरफ से रिटायर जितने भी कर्मचारी हैं सभी को सम्मानित किया गया, सभी कह सकते हैं कि उस समय एक जो पौधा था वो वट वृक्ष के रूप में है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा होना चाहिए। जबकि ऑयल सेक्टर में नंबर एक पर कंपनी है और अपने कर्मचारियों को पूरा ध्यान रखती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों को पूरा ध्यान रखती है, जबकि ऐसा और किसी कंपनी में नहीं ऑयल सेक्टर में। 65 वर्षों का इंडियन ऑयल का सफर है एक, इन 65 वर्षों के सफर को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहे, बहुत तरक्की किया कंपनी, इतना सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा ये तरक्की करेगा और आगे तरक्की करते रहेगा। यादव जी, आज इंडियन ऑयल डे है 65वां, और धूमधाम से मनाया गया, क्या कहते हैं? दिनेश जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से वो पूरे इंडियन ऑयल के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सबको इंडियन ऑयल डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और इंडियन ऑयल आज के दिन बहुत ही भव्यता के साथ इंडियन ऑयल के हेड ऑफिस से लगाए भारत के कोने कोने में जहां भी इंडियन ऑयल के ब्रांच हैं, यूनिट है, हर जगह मनाया गया है, और मनाए भी क्यों नहीं। इंडियन ऑयल ही एक ऐसी संस्था है जो देश के की ऊर्जा बनी हुई है, और पूरे देश में ऊर्जा के माध्यम से पूरे देश की सेवा कर रही है, और देश के आर्थिक व्यवस्थाओं में भी योगदान दे रही है, विकास के कार्यों में योगदान दे रही है, और विकट परिस्थितियों में जैसे कोविड या कोई महामारी आती है उसमें भी देश को सहयोग दे रही है। तो
इस इंडियन ऑयल का जो प्रगति है, देश की ऊर्जा है, दिन प्रतिदिन आगे कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। और जो इंडियन ऑयल का मिशन और जो सोच है 2046 तक ये जीरो पोल्यूशन पे जाना है, कार्बन प्रोडक्शन पे जाना है, तो ये सब तमाम योजनाएं जो भविष्य में अभी छिपी हुई है, और इंडियन ऑयल के जो भी एक जो सैनिक बोलिए या जो योद्धा बोलिए जो कार्य करने वाले हैं, वो तन मन धन से इस इंडियन ऑयल पर समर्पित हैं, और उनके भावनाओं को मैं फिर से एक बार नमन करता हूं, और इंडियन ऑयल को का भी नमन करता हूं कि ये देश की ऊर्जा देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज इंडियन ऑयल के दिवस पर फिर पुनः मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद शर्मा जी, बड़ी धूमधाम के साथ आज जो 65वां इंडियन ऑयल डे मनाया गया, नंबर फैमिली में क्या कहेंगे आज कुछ करते हैं? दिनेश जी, जैसे आपने बोला है कि आज हमारा 1 सितंबर इंडियन ऑयल डे दिवस है, ये 65वीं वर्षगांठ हम इंडियन ऑयल दिवस के मना रहे हैं। सुबह से लेके रात तक हमारे प्रोग्राम होगा, अलग अलग समय पर अलग अलग एक्टिविटी बनाई है। मथुरा रिफाइनरी इसको बड़ी धूमधाम से मनाया, और मथुरा रिफाइनरी जो हमारे रिटायर्ड चीफ गेस्ट थे, जो पहले 95 से और 98 तक जो हमारे ईडी यहाँ जेएल रैना जी थे, उनको हमने चीफ गेस्ट के बुलाया। नो डाउट उनका मथुरा रिफाइनरी काफ़ी योगदान था, जैसा हम सब लोग जानते हैं, और आपको जैसा विदित है कि हर 1 सितंबर को इंडिया डे पर हम रिटायर्ड लोगों को भी सम्मानित करते हैं, जो कि हमारे इस समय टाउनशिप में एम्प्लॉय क्लब में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अलग अलग स्लॉट में अलग अलग एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से लोगों को हमने स्वागत सम्मान और स्वल्पहार की व्यवस्था की है। ये हमारा इंडियन ऑयल की पहचान है। आज हम 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, जो आज हम इसको इस भव्यता दिव्यता का रूप दे रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे आयुष के लिए और हमारी मथुरा रिफाइनरी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 65वें इंडियन ऑयल डे के अवसर पर मथुरा रिफाइनरी में सुबह से ही भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शाम को मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों सहित ऑफिसर्स एसोसिएशन व मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की। मथुरा रिफाइनरी में लॉन्ग सर्विस करने वाले एवं बेहतर कार्य करने वाले रिफाइनरी कर्मियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों एवं वृंदा क्लब सहित एमआर नगर वासियों ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने सभी मथुरा वासियों एवं देशवासियों को 65वें इंडियन ऑयल डे की शुभकामनाएं देते हुए देश की तरक्की में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सफर पर प्रकाश डाला एवं साथ ही कहा कि इंडियन ऑयल वर्ष 2046 तक अपने नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करते हुए इंडियन ऑयल एवं मथुरा रिफाइनरी देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती रहेगी। आइए देखते हैं इंडियन ऑयल डे पर दिनेश सिंह तरकर की खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फाउंडेशन न्यूज, मैं दिनेश सिंह तरकर। आज इंडियन ऑयल का 65वां इंडियन ऑयल डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और हमें इस समय मथुरा रिफाइनरी में आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ इंडियन ऑयल डे मनाया गया है। हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। सर, आज सुबह से ही बड़े भव्य तरीके से धूमधाम के साथ इंडियन ऑयल डे मनाया गया है, और देश की सर पहली ऊर्जा कंपनी है, क्या कहेंगे? देखिए दिनेश जी, पहले तो आपको और आपके जो दर्शक हैं चैनल के, उनको सभी को इंडियन ऑयल डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मथुरा रिफाइनरी की तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से। ये दिन है जिसमें हम जो आज से 65 साल पहले इंडियन ऑयल का जन्म हुआ, मर्जर हुआ दो कंपनियों के बीच में, और उसके बाद ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इस्टेब्लिश हुई। इस 65 साल में हमने देखा कि इस कंपनी को एक काफ़ी मतलब ऊंचाई तक जो हमारे एम्प्लॉयज़ रहे हैं, हितधारक रहे हैं, स्टेक होल्डर्स रहे हैं, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, जो आज मतलब ग्लोबल लेवल में देखा जाए तो इंडियन ऑयल का एक नाम है, और ऑयल सेक्टर में पर्टिकुलरली इंडिया में तो नंबर वन कंपनी। तो ये एक दिन है जिसमें हम सभी अपने पूर्वज को याद करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं, उनको
सम्मान देते हैं और उनके प्रति हम एक व्यक्त करते हैं कि इस मुकाम पर यदि हम लोग आए हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन है। आज ये सेलिब्रेशन का समय है, इसी को मध्य नज़र रखते हुए कि हमारे बीच हमने मथुरा रिफाइनरी को इस मुकाम में लाने में हमारे जो फाउंडर रहे हैं श्री जेएल रैना साहब, जो कि 1995 से 98 के बीच में यहाँ 3 साल यूनिट हेड रहे हैं, उस पीरियड में काफ़ी स्ट्रगल वाला पीरियड था। उस समय एक समय ऐसा लगा कि शायद मथुरा रिफाइनरी बंद हो जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हालांकि पॉल्यूशन एमिशन जो है वो एक मिथ्या थी लोगों का, या सुप्रीम कोर्ट में एक फैलाया गया मिथ्या था कि इससे पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सर ने यहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ लेके कन्विंस किया कि नहीं, यहाँ से हमारे रिफाइनरी से कोई ऐसा एज सच पॉल्यूशन नहीं हो रहा है और ताज का इससे कोई ऐसा कुप्रभाव वगैरह नहीं हो रहा है। तो और ये रिफाइनरी जो है लोकल क्षेत्र के लिए, इस वेस्टर्न यूपी के लिए या इस एनसीआर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाएगा। सो ही वॉज एबल टू कन्विंस और अपने यहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सबको साथ में लेकर इन्होंने इस रिफाइनरी को आगे ले गया। इनके सर के पीरियड में बहुत तरक्की हुई है मथुरा रिफाइनरी की, आज हम जो पोजीशन देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर का। तो ये हमारी सौभाग्य और हम फॉर्चुनेट है कि सर को हम यहाँ आज बुला पाएँ और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सर 65 वर्षों का एक इंडियन ऑयल का सर एक सफ़र रहा और 65 वर्षों में कहते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक का एक सफ़र तय किया है और भारत में इंडियन ऑयल की एक अलग ही पहचान है और विश्व पटल पर अगर बात मथुरा रिफाइनरी की भी हो तो मथुरा रिफाइनरी भी एक अलग छाप छोड़ के रखती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मथुरा रिफाइनरी के सबसे बड़ा चैलेंज है ताज के कारण ये जो एक्सपांशन और हो सकता था जो कि दूसरे रिफाइनरी में हो रहा है, चाहे हम बरौनी देखें, पानीपत देखें, पारादीप देखें, गुजरात देखें, बाकी रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मथुरा रिफाइनरी का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दी ताज। लेकिन हमारे ग्रीन इनिशिएटिव्स बहुत सारे रडार पे हैं और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया गया है। अभी इनिशियल तौर पर 10 KTA का प्लांट एक पानीपत रिफाइनरी में हम लोग लगा रहे हैं और वो सक्सेस होगा, चूँकि ये टेक्नोलॉजी नई है, पहली बार इसको यूज़ किया जाएगा तो एक प्रोवन टेक्नोलॉजी जब तक नहीं है तो हम शुरुआती में एक पायलट बेसिस पर कहीं एक जगह लेते हैं प्रोजेक्ट, सक्सेस होने के बाद वो दूसरे जगह एक्सटेंड होगा। तो इनफैक्ट अभी हमारे इंडियन ऑयल में जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने COP कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है 2070 में हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे, इसी तरीके से हमारे इंडियन ऑयल में भी हमारे चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया 2046 तक इंडियन ऑयल ऑपरेशनल नेट ज़ीरो हासिल कर लेगा। इसका मतलब है कि उसकी हमको तैयारी करना है, इट इज़ नॉट जस्ट स्टेटमेंट। उसमें हमारे जितने भी पावर है और हम लोग ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो सोलर हो, विंड पावर हो, इथेनॉल या बायोफ्यूल का जो है ब्लेंडिंग होगा हमारे जितने ईंधन है उसमें, ताकि उसकी जो एमिशंस वगैरह है उस पर उसका इम्पैक्ट कम हो। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात हो रही है, पेट्रोकेमिकल में भी हम लोग उसकी जो ये है फुटप्रिंट उसको बढ़ाने जा रहे हैं। करीबन 2,40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग नेट ज़ीरो के नाम से ऑलरेडी प्लान्ड है अक्रॉस दी रिफाइनरी डिवीजन और पूरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो काफ़ी विस्तार में हमारी प्लानिंग है ताकि एक स्वच्छ रिफाइनरी या स्वच्छ कंपनी के रूप में, ग्रीन कंपनी के रूप में आगे बढ़े हम लोग। सर इंडियन ऑयल डे के उपलक्ष्य में आज भी टाउनशिप में जैसे कि कुछ क्वार्टर्स का और उनका कुछ मल्टी कुछ वो किया गया भूमि पूजन, क्या सर? हाँ देखिए क्या है कि देखिए हम एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, टाउनशिप है, तो एक ऑफिस से आने के बाद एक सुकून भरा वातावरण सभी को चाहिए। तो आपने देखा होगा वैसे तो हमारी मथुरा रिफाइनरी टाउनशिप काफ़ी ग्रीन है, हरित है। इनफैक्ट हम बड़े फॉर्चुनेट है कि सर के टेन्योर में ये ग्रीन इनिशिएटिव काफ़ी लिया गया उसी समय, मतलब 1998-99 में सर के ही द्वारा जो है मथुरा रिफाइनरी का जो गीत है सर ने अपने, मतलब उन्होंने लिखा है, स्लोगन भी उन्होंने
दिया है मथुरा रिफाइनरी के लिए। तो ये शुरू से सतत प्रयास रहा है मथुरा रिफाइनरी को और टाउनशिप को ग्रीन रखने का, उसी के कड़ी के तहत हमारा आगे का कार्यक्रम है। क्योंकि क्वार्टर्स काफ़ी पुराने हो गए हैं, उसमें सीपेज वगैरह हो गई है, तो अब इस क्वार्टर को मरम्मत करके रिपेयर करके आगे खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम उसी कड़ी में हमारा है कि एक दो अपार्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं। पहले फेज में 20 फ्लैट होगा, जी प्लस 8 का होगा, जी प्लस 10 का होगा, 10 फ्लोर होगा, और उसी का आज हमने शिलान्यास किया। और लेटेस्ट जो हमारा प्रावधान है उसके तहत वो ये फ्लैट्स बनेंगे। तो ये हमने आज सुबह उसका ये किया, फिर ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनॉग्रेशन किया और एक ऑर्गेनिक फूड कन्वर्टर का भी एक इनॉग्रेट किया, जो हमारे ऑर्गेनिक जो वेस्ट निकलते हैं उसको मैन्योर में खाद में कन्वर्ट करने की मशीन जो है हमने, वैसे तो प्लांट हमारा पहले से है लेकिन एक नई मशीन हमने लगाया है ताकि आगे और इसको हेल्प मिलेगा हमारे इस प्रोसेस को। सर जैसे कि आज रक्तदान सुबह सभी रिफाइनरी कर्मियों ने किया और भूमि पूजन भी हुआ और भी कई कार्यक्रम हुए, और मथुरा रिफाइनरी के जो रिटायर जो परिवार है उनको भी सम्मानित करने का एक वो रहा, काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुशी है उनके अंदर। हाँ, ये हमारे एम्प्लॉयज़ क्लब में हमारे जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं उनको हम बुलाते हैं, और जो नहीं आ पाते उनके घर जाकर हम उनको सम्मानित करते हैं। तो एक छोटा सा टोकन गिफ्ट वगैरह रहता है हमारे साथ, वो लंच वगैरह लेते हैं। एक दिन है, समय है जिसमें उनको अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इस दिन को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आज जो भी मथुरा रिफाइनरी या इंडियन ऑयल जो पोजीशन में है उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है या है, तो उनको सम्मान करने का दिन है, इसलिए वो लोग आए हैं और अपना ये दे आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ रहे मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब, उन्होंने बताया कि सुबह से ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं इंडियन ऑयल डे के उपलक्ष्य में, और 65 वर्षों का एक जो सफ़र है इंडियन ऑयल का वो अपने आप में एक अभूतपूर्व सफ़र है, कह सकते हैं एक स्वर्णिम युग है जो कि भारत के इस दौर में इंडियन ऑयल ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।